बात हमारा अच्छा, ये शादी कहाँ की है ये मालूम है? हमारा लगता है दुर्गा बाबा के मंदिर में, ठीक बा, माने हमारा अंजास फोटो किन के साथ आप खिंचवाए हैं? सर वो मेरा दोस्त की बीवी है, पूजा ही हो रहा था, उसी का फोटो है, शादी वाला फोटो नहीं है। आप कौन काम करते हैं? हाँ, हम सब ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं तो एक पहले से ही आपकी बीवी है, आपके दो बच्चे हैं, फिर शादी करने की क्या जरूरत आई? लेकिन आज से नहीं, कुछ दिन से छोड़ने छोड़ने की बात कर रही थी। अच्छा, नए नए में शादी होला ना, सुन नहीं है तो संगे ना रहल जाला, चुरा के एने ओने रखल जाला। अच्छा, घर के फैमिली के सामने रहे तो कनी का मालूम ना चली। आप लोगों के दोनों आदमी का शादी कैसे हुआ? लव मैरिज हुआ है कि अरेंज मैरिज हुआ है? सर लव मैरिज हुआ है। आप दोनों के बीच में? जी, कचहरी से हम लोगों का शादी हुआ। अच्छा, शादी के कचहरी के कारण जो कोर्ट मैरिज होता है वो कागज नहीं है। विश्वास है आपको की आपके पिताजी शादी कर सकते हैं? अब तो विश्वास हो जा रहा है, पहले विश्वास नहीं था। करने का लव करके शादी करने का एक आदत हो गई है कि आप लव करते हैं शादी कर लेते हैं, तो दो बच्चे का भविष्य खराब होगा कि नहीं? सर, हम भविष्य खराब होने ही नहीं देंगे। हम जब मान रहे हैं उसके पास शादी किए हैं, तो आज के डेट में हमको वही आना चाहिए ना। उस लड़की को छुपा कर रखा, ये आपके पत्नी का आरोप है? सर इसमें हम स्टाम्प पेपर हम साइन एग्रीमेंट बना के हम दे रहे हैं। किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ? देखिए, किसी साथ था ना, चिपक जाते थे बहुत जल्दी है मेरे सामने, हमको बहुत शर्म लगता था, नहीं बोलते, ठीक है? कहीं ना कहीं लक्षण खराब है जो किसी भी औरत के साथ चिपक जाता है, आपके लड़का आरोप लगा रहा है, ये कितना सही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मैं मौजूद हूँ बेतिया में, और इस बेतिया में एक बहुत ही सोचने समझने वाली खबर निकल कर आई है। ये है इनके पति, और ये जो है इनसे झगड़ा करके घर से बाहर जाते हैं। घर से बाहर जाने के क्रम में इन्होंने एक शादी कर लिया, और शादी करने के बाद पहले से भी शादी किए हुए हैं, तो इनके दो लड़के हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये मामला जो है काफी गंभीर हो गई है, अब इन लोगों के घर में और बीच में जो विवाद काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ये सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। उसी बीच पे हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके ऊपर जो ये आरोप लगा रही है शादी का, ये सच में शादी हुई है या नहीं हुई है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम पूजा देवी। अच्छा पूजा देवी, आप आरोप उनके ऊपर लगा रही है कि शादी किए हैं, किस साक्ष के साथ आप आरोप लगा रही हैं? हम फोटो पकड़े हुए आरोप लगा थे। आप फोटो पकड़ी हुई है, कब का वो फोटो है? ए माने हम अपना घर से वही जमीन के बात कर ले, ठीक बा। अच्छा, हम माने हो गए 10-15-20 दिन हमारा घर गए जी, तो सवा टिकाल के हम पेटी में से हम दे दिन आया जी, का मानते जब कहीं जाइल जला तो मैंने निमन से जाइल जला ना, तो गईलन मैं घर से आगन से 2-3 दिन बीत गई, तो इन्हें हईलन हम खाना वाना बनौनी, खाना पीना चाह हंसी खुशी से खैलन, तो हमारे दोस्त आई रहे वो दिन, तो हम कहने कहाँ जाता रहो गाड़ी ना जाए कमाए, तो ना हम कहाँ जाता रहा तुम, तो कहते ना जाता हम जानता सिनेमा गाड़ी उतारे आ तबे की कहानी हो। अच्छा, बात हमारा। अच्छा, ये शादी कहाँ की है ये मालूम है? हमरा लगा था दुर्गा बाबा के मंदिर में, ठीक बा, माने हमरा अंजास लगा था दुर्गा बाबा के मंदिर के है। अच्छा, अब ये बतियन जे कहां कइले बा, कहां ये मालूम है कि वो लड़की कहां के है? हमरा मालूम में नहीं है। आपको मालूम नहीं? ना, हमरा कुछ मालूम नहीं है, लड़की कहां के है, लड़का कहां के है, हमरा मालूम नहीं, ये मालूम नहीं है। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इधर जाइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रगानिल कुमार पटेल। अच्छा, आपने शादी किया है या नहीं ये बताइए। सर शादी हम नहीं किए हैं। आपकी पत्नी आप पे ये आरोप लगा रही है कि आप शादी किए हैं? सर मेरा फोटो वो देखी हुई है तबे आरोप लगा रही, नहीं तो नहीं लगाती। अच्छा, आपका तो फोटो किन के साथ आप खिंचवाए हैं? सर वो मेरा दोस्त की बीवी है, पुजाई हो रहा था, उसी का फोटो है, शादी वाला फोटो नहीं है। अच्छा, वो जो शादी पुजाई के दिन आप फोटो खिंचवाए हैं तो उनका चेहरा ढका हुआ नहीं है, और आप ही दोनों आदमी है उसमें, सिर्फ आप ही दोनों, दूसरा कोई नहीं दिख रहा है, तो ये कैसे आप ये हम लोग मान ले कि वो पुजाई के दिन का है शादी फोटो? सर तो जहां हम शादी किया वहां तो कैमरा लगा होगा, वही देखा जाए कि हम मेरा शादी कहां शादी की है। दुर्गा बाग के मंदिर के बात है, तो दुर्गा बाग मंदिर में आपने शादी किया है? सर शादी हम करवे नहीं किए हैं, वहां गए हुए थे। अच्छा, आप कौन काम करते हैं? हाँ, हम सर ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं तो एक पहले से ही आपकी बीवी है, आपके दो बच्चे हैं, फिर शादी करने की क्या जरूरत आई? सर शादी हम नहीं किए हैं। अच्छा, तो ये आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है? सर आरोप तो लग ही रहा है, लेकिन आज से नहीं, कुछ दिन से छोड़ने छोड़ने की बात कर रही थी। अच्छा, तो आप लोगों के दोनों आदमी का शादी कैसे हुआ? लव मैरिज हुआ है कि अरेंज मैरिज हुआ है? सर लव मैरिज हुआ है। आप दोनों के बीच में? जी। अच्छा, तो ये शादी आप दोनों कब किए, कितना साल हो गया आप? सर किसी तरह 10 वर्ष 2012 में मेरा फादर एक्सपायर किए हैं। हाँ। जिसमें मेरा उसमें कचहरी में गए हुए थे, कचहरी से हम लोग का शादी हुआ। अच्छा, शादी के कचहरी के कागज जो कोर्ट मैरिज होता है वो कागज नहीं है। अच्छा, आप लोगों के कोर्ट मैरिज का कागज नहीं है? जी ना। तो ये कहीं आप पे ये तो बात नहीं हो कि आपको शादी करने का लव करके शादी करने का एक आदत हो गई है कि आप लव करते हैं शादी कर लेते हैं? सर नहीं, ये आदत नहीं है मेरा, ये आदत नहीं है।
ये आपके दो बच्चे हैं, अगर आप मानते हैं कि शादी नहीं किए चले ठीक है, अगर करते हैं तो ये दो बच्चे का भविष्य खराब होगा कि नहीं? सर, हम भविष्य खराब होने ही नहीं देंगे। हाँ, हम जब मान रहे हैं उसके पास शादी किए हैं, तो आज के डेट में हमको वही रहना चाहिए न। हाँ। जो वहाँ हम नहीं है, हम अपने बाल बच्चे के साथ जो मेरा पास है वो हम लाकर पूरा करते हैं। ये तो ये बोल रहा है कि अगर हमने शादी किया रहता तो उसके साथ रहते, तो इस पर आप क्या कहिएगा? इतना हल इतना नया नया में शादी होला न। हाँ। सुननी है तो संग ना रहल जाला, चुरा के एने ओने राखल जाला। अच्छा। जब घर के फैमिली के सामने रहे तो कनी। हाँ। का मालूम ना चली। हाँ। जब 2 महीना 4 महीना जब 6 महीना बीत जाई हम तो रहे घरे। हाँ। तू जाइब कमाए बताई रहूगा। हाँ। आपका मतलब ये कहना है कि इन्होंने ये शादी जो किया है ये अलग रखे उस लड़की को? हाँ, ये अलग रख लो जरूर दी बा। चलिए, आपने अलग उस लड़की को छुपा कर रखा, ये आपके पत्नी का आरोप है? सर, इसमें हम स्टैम्प पेपर पर साइन एग्रीमेंट बना के हम दे रहे हैं। हाँ। जब बोल रही है कि अलग रखेंगे 6 महीना साल भर के बाद लड़की के साथ रहेंगे। हाँ। इसके अथी में हम एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं। हाँ। कि अगर 6 महीना साल भर में नहीं उसके साथ रहे, चाहे 5 वर्ष में नहीं रहे। हाँ। तो उसको इसको क्या हम करेंगे वो आप लोग देखिए बताइएगा, तो वही हम करेंगे। आप क्या करने का सोच रहे हैं? नहीं, जो बोल रही है ना, पत्नी है तो आप पत्नी के साथ क्या कीजिएगा? आप साथ ही न रहिएगा? वही ना हम कह रहे हैं, हम तो जब शादी किए रहते तो हम उसके साथ रहते, जब शादी नहीं किए हैं तो हम अपना बाल बच्चा जो भी है हम अपना बाल बच्चा। अच्छा, आप घर से कभी गायब हुए थे? सर, हम कभी भी गायब हुए हैं एक बार, लेकिन गायब हुए हैं मेरा मोबाइल रिचार्ज हो जाता था तो किसी का मोबाइल से हम घर पर हम खबर कर देते थे कि ना हम आज नहीं आएंगे, आएंगे 12 बजे चाहे 2 बजे हम खबर कर देते थे। एक मिनट, आपसे आपके पिता पर आरोप लग रहा है क्या? उन्होंने शादी किया, ये सही है कि ये गलत है आरोप इनके ऊपर जो लग रहा है? गलत है आरोप, शादी नहीं किए हैं? शादी किए हैं, बाकी जो आरोप है वो गलत है ना किए हैं। मतलब शादी की है आपका हिसाब से? जिसको भी फोटो दिखा रहा है कोई भी कर रहा है शादी की है। चलिए माने, हाँ झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, साथ उन्हें झूठ नहीं बोलेगा। हाँ झूठ बोलेंगे, ये झूठ बोलेगा, 5 आदमी झूठ बोलेगा। अभी आप कौन काम करते हैं? अभी तो हम फिलहाल में कोई काम नहीं करते, फिलहाल में हम गाड़ी सीख रहे हैं ड्राइविंग करने के लिए। ड्राइविंग करने के लिए सीख रहे हैं। आपका एज लगभग कितना होगा? मैं लगभग 15-16 होगा। 15-16 साल के होंगे आप। बाबू ये पढ़ते हैं क्या? हाँ, ही पढ़ता है। अच्छा, अभी पढ़ रहा है। तो मतलब अगर आपके पिताजी शादी कर लेते हैं, उस लड़की को घर ला लेते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, तो कोई भी तो रास्ता निकलेगा ना, हम क्या करेंगे, कानून का रास्ता निकालेगा। अच्छा, ये मतलब शादी किए हैं तो आप बोल रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ, चलिए मानते हैं, अगर वो ला देते हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा कि नहीं? हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट कोई रास्ता तो निकलेगा, कानून रास्ता निकालेगा, हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा। इतना दिन से इतना बार हम एक्सेप्ट करने के लिए? ये विश्वास है आपको कि आपके पिताजी शादी कर सकते हैं? अब तो विश्वास हो जा रहा है, पहले विश्वास नहीं था। बाकी अभी मतलब किस तरह से आप विश्वास कर रहे हैं? क्या इनके अंदर कोई एक्टिविटी था जो चेंज हुआ है? लेकिन इनका है ना शुरू से आदत है विश्वास घर का तोड़ दिए हैं, पहले ही घर का घर पर विश्वास। पहले भी किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ? देखिए, किसी साथ था ना चिपक जाते थे बहुत जल्दी, मेरे सामने हमको बहुत शर्म लगता था, नहीं बोलते ठीक है ना। आपके सामने किसी औरत से चिपक जाते हैं? हाँ, चिपक जाते हैं ठीक है ना। फिर से रहा सवाल कि एक और विश्वास खत्म कर दिए, घर ही में कृपया चुरा लेते हैं। ये विश्वास पहले हमको इनको खत्म हो गया, तब से हम इन पे विश्वास नहीं करते हैं। आपका लक्षण खराब है, आपके लड़का बोल रहा है कि आपका लक्षण खराब है, आप किसी भी वही आपका कहीं ना कहीं लक्षण खराब है, जो किसी भी औरत के साथ चिपक जाता है, आपके लड़का आरोप लगा रहा है, ये कितना सही है? गलत है। गलत है जी। आप किसी औरत के साथ चिपकते नहीं है? नहीं। ये बोल रहा है कि हमको शर्म आती है कि आप किसी भी लड़की के साथ या औरत के साथ चिपक जाते हैं, इसीलिए आप पे ये विश्वास हो गई है कि आपने शादी किया है। बोलिए, आपने शादी किया है या नहीं? शादी सर नहीं किए हैं। चलिए मानते हैं आप शादी नहीं किए हैं, आप ये कैमरा के सामने बोल रहे हैं, मान लेते हैं। अगर आपने शादी कर लिया, कर लीजिएगा या किए होंगे, तो आपके ऊपर क्या सजा देनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? ऑन कैमरा ये आप बताइए कि आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा? शादी किए होंगे जो कानून सजाया जाएगा तो वो नहीं है, अगर शादी नहीं किए होंगे तो कानून हमको सजाया देगा नहीं। चलिए मानते हैं कि जहाँ हम शादी किए हुए हैं वहाँ ACC कैमरा होवे भी करेगा। नहीं है कि छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर, वहाँ से ACC कैमरा लग नहीं है। अमूमन सभी मंदिरों में CCTV कैमरा नहीं है, जो हाई लेवल के मंदिर है उसमें है। चले मानते हैं कि आप CCTV कैमरा के सामने भी नहीं गए होंगे, तो दुर्गा बाग मंदिर में तो सर ACC कैमरा चारों तरफ है। अच्छा। तो दुर्गा बाग के सीन है तो दुर्गा बाग में तो ACC कैमरा तो होगा, चारों तरफ होगा। दो रात जो आप गायब थे कहाँ थे? सर, हम वही पुजारी में गए थे, दो रात नहीं। कौन से जगह पुजारी में गए थे? मतियारी में गए।